एवरीबडी, वेलकम बैक टू इजी कॉन्स यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, हम लोगों ने एक फुल्ली ऑटोमेटेड वेब ऐप लॉन्च करी है अल्गो ट्रेडिंग के लिए। इसमें आप काफ़ी सारी अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ऑटोमेट कर सकते हो और इसका अभी बीटा टेस्टिंग फेज चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 50-60 लोगों ने ऑलरेडी ऐप पे साइन अप कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं हमको ऐप के। अगर आप भी बीटा टेस्टिंग फेज में एनरोल होना चाहते हैं तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में लिंक अटैच कर दी है। मेक श्योर करिए वो फॉर्म आप भर दीजिए और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके सेटअप इंस्ट्रक्शंस भेज देगी। रिमेंबर, ये बीटा टेस्टिंग फेज 1 जनवरी तक ही है। इसके बाद बीटा टेस्टिंग फेज हमारा ओवर हो जाएगा और फुल फ्लेज्ड वेब ऐप आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हमारा ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन से फीचर्स हैं, आप कौन से टाइप की स्ट्रैटेजीज उसमें ऑटोमेट कर सकते हो। आप लोग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जैसे आयरन कॉन्डोर, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, वैसी काफ़ी सारी टाइप की स्ट्रैटेजीज इससे ऑटोमेट कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि स्ट्राइक सिलेक्शन आप किस किस तरीके से कर सकते हो। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके पास एंट्रीज देने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, आप टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप एग्जिट्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम एग्जिट लेके, अगर आपको री एंट्री लेनी है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। फोर्थ वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोगों ने M2M बेसिस पे कौन से फीचर्स आपको देके रखे हैं, टोटल प्रीमियम बेसिस पे आपको कौन से फीचर्स देके रखे हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में। फिफ्थ वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग हमारा एक यूनिक फीचर डिस्कस करेंगे जिसमें आ जाता है ग्रुप एंट्री, ग्रुप एग्जिट्स और टोटल प्रीमियम बेस्ड एंट्रीज एंड एग्जिट्स। तो मेक श्योर करिए पूरी सीरीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखें ताकि हमारे स्ट्रैटेजी बिल्डर का बेस्ट यूज़ कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर पे कैसे स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे मार्केट प्लेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 2 स्ट्रैटेजीज लिस्टेड है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर और 5EMA। आज हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर पर वर्क करें तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट बटन में जाके हमारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें हम लोग हमारे ऑप्शन की स्ट्राइक्स ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐड करना। यहाँ पे आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन हैं, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से टाइप के ऑप्शन में ट्रेड करना है, आपको कॉल में ट्रेड करना है कि पुट में ट्रेड करना है। हम लोग यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास बाइंग या सेलिंग, आपको ऑप्शन को बाय करना है या ऑप्शन को सेल करना है। थर्ड आ जाता है हमारे पास MIS एंड NRML में ऑप्शन। MIS पोजीशन और NRML पोजीशन में आजकल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, द ओनली डिफरेंस इज कि ब्रोकर्स MIS पोजीशंस को 310 या 315 को एग्जिट कर देते हैं, वेर एज अगर आप NRML पोजीशन होल्ड करते हो तो 325 या 327 तक भी आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग NRML पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है एक्सपायरी सेलेक्ट करने का। तो एक्सपायरीज हमारे पास आगे की 4 एक्सपायरीज लिस्टेड आएंगी। फिर आगे जाके हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्ट्राइक सेलेक्ट करने के। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, स्ट्राइक डिस्टेंस बेस्ड, क्लोजेस्ट प्रीमियम बेस्ड, ग्रेटर दैन प्रीमियम एंड लेस दैन प्रीमियम बेस्ड। अगर आप स्ट्राइक डिस्टेंस बेस्ड पे सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो आपको एट द मनी में ट्रेड लेना है, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड लेना है या इन द मनी में ट्रेड लेना है। अगर आपको एट द मनी स्ट्राइक में ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आप ATM सेलेक्ट कर सकते हो, ATM बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आएगा। अगर आपको 2 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी में ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आप OTM_2 सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 2 स्ट्राइक इन द मनी में ट्रेड लेना है तो आप ITM_2 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। स्ट्राइक सेलेक्शन का दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है क्लोजेस्ट प्रीमियम बेस्ड। अगर आपको सपोज ट्रेड लेना है 150 के क्लोजेस्ट ऑप्शन में, आपको कोई स्ट्राइक स्पेसिफाई नहीं करनी, आपको ऐसे ट्रेड लेना है कि 150 के आसपास मुझे जो भी ऑप्शन मिल जाए मैं उसमें ट्रेड ले लूँ, तो यहाँ पे आप क्लोजेस्ट प्रीमियम स्पेसिफाई करके 150 एंटर कर दोगे तो बैंक निफ्टी का जो भी 150 के क्लोजेस्ट वाला ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 147 का ऑप्शन क्लोजेस्ट हुआ तो 147 वाला सेलेक्ट होगा, 152 वाला हुआ तो 152 वाला सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ग्रेटर प्रीमियम। अगर आप ग्रेटर प्रीमियम स्पेसिफाई करके 100 स्पेसिफाई करते हो तो 100 से ऊपर, जैसे अगर 100.5 या 101 का जो भी प्रीमियम उसको मिलेगा क्लोजेस्ट, वो बैंक निफ्टी का सेलेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ जाता है वो आता है लेस देन प्रीमियम। अगर लेस देन प्रीमियम में भी मैं 100 स्पेसिफाई करती हूँ तो 100 से कम वाला हमारे पास क्लोजेस्ट आ जाएगा। इसमें 100 से कम में 99.5 वाला भी हो सकता है, अगर वो नहीं मिले तो 98 वाला ऑप्शन भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्राइक सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ आ गया। उसके बाद हम लोग क्वांटिटी स्पेसिफाई कर लेते हैं। अगर मैं 1 क्वांटिटी से ट्रेड लेना चाहती हूँ, 1 लॉट से ट्रेड लेना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ लॉट्स में 1 स्पेसिफाई कर दूंगी। एक बहुत ही अमेजिंग फीचर जो हमारी ऐप में इनबिल्ट है, दैट इज़ ऑर्डर स्लाइसिंग। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शंस में ट्रेड करते होगे तो आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी में 60 लॉट्स की हमारी फ्रीज लिमिट होती है। तो अगर आप 60 लॉट के ऊपर का ऑर्डर पंच करना चाहते हो तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ता है 60 और उसके ऊपर वाले में। अगर आप 100 लॉट का सपोज ऑर्डर पंच करना चाहते हो तो आपको 60 और 40 के दो ऑर्डर्स पंच करने पड़ेंगे। ये जो कैपेबिलिटी है वो हमारे ऑप्शन बिल्डर में ऑटोमेटेड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ कि मुझे 70 लॉट्स का ऑर्डर प्लेस करना है तो ये 60 लॉट का एक ऑर्डर प्लेस करेगा और 10 लॉट्स का दूसरा ऑर्डर प्लेस करेगा इन एंट्रीज ऑल्सो एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जिट ऑल्सो। अब यहाँ पे ऐड लेग पे क्लिक करके मैं लेग को ऐड कर देती हूँ। तो इसके बाद एंट्रीज और एग्जिट्स आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये फीचर्स हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।